हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम मूवी प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी प्रोजेक्टर को हम मोशन पिक्चर्स प्रोजेक्टर भी बोलते हैं। मूवी प्रोजेक्टर को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि पुराने समय में जो आपकी मूवीज़ होती थी ना, वो कैसी बड़ी बड़ी रील्स होती थी, ठीक है, जिसको प्रोजेक्टर पर चलाया जाता था और स्क्रीन पर फिर आप मूवीज़ देखते थे एक तरह से। तो आप वैसा मान लीजिए कि मूवी प्रोजेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि आपकी जो एक रील थी ना, जैसे मूवीज फिल्मों की रील होती है वैसे, उन रील्स पे क्या थे आपके बहुत सारे इमेजेस थी, ठीक है। तो एक एक करके जो है एक सीरीज़ में उनको चलाया जाता है, मतलब कि एक लाइट सोर्स होगा, उस लाइट सोर्स के आगे एक एक करके एक एक फ्रेम को रखा जाएगा और वो जो लाइट होती है ना, वो इतनी ब्राइट होती है, इतनी इल्यूमिनेटिंग होती है कि जो भी इमेज उस पर्टिकुलर फ्रेम पे कास्ट हुई होती है ना, वो जाके स्क्रीन पर आपको विजिबल हो जाती है। तो आप ऐसे समझो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, यहाँ से पढ़ लेते हैं कि एक मूवी प्रोजेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, किसको, जो आपकी फिल्म्स की फ्रेम्स है ना, उनको क्या करता रहता है, आपका एक सीरीज़ में चलाता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका एक लाइट सोर्स होगा ना, तो उस लाइट सोर्स के आगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक एक फ्रेम रुकेगी और फिर एक और, फिर उसके बाद वो मूव होगी, फिर पीछे वाली फ्रेम आएगी, वो करेगी। तो एक सीरीज़ में ये जो है वो एक चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। जो लाइट सोर्स होता है वो इतना एक्सट्रीमली ब्राइट इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो उस फ्रेम के ऊपर इमेज कास्ट हुई है वो जाके कहाँ कास्ट हो जाएगी, आपकी स्क्रीन पर, या फिर लेंस के थ्रू आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हो। मूवी प्रोजेक्टर ये होता है। इसके कंपोनेंट्स की बात करें, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है उतना डीपली उस चीज़ को पढ़ने की, तो हम उसका बस एक कंपोनेंट का ओवरव्यू ले लेंगे कि क्या क्या नाम है उन कंपोनेंट्स के, हम इसकी पूरी डीप वर्किंग में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि चार कंपोनेंट्स हैं इसमें। एक है स्पूल असेंबली, एक लैंप असेंबली, लेंस असेंबली एंड ऑडियो असेंबली। जो आपके मॉडर्न मूवी प्रोजेक्टर्स होते हैं वो क्या हैं, वो स्पेशली बिल्ट वीडियो प्रोजेक्टर्स होते हैं। एजुकेशन में टीचर्स जो हैं इनका यूज़ जो है वो कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए। जितने भी मूवी प्रोजेक्टर्स होते हैं वो, मतलब कि मूवी प्रोजेक्टर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं और इन मूवी प्रोजेक्टर्स को जो हम अपने हिसाब से जो है वो स्पेशली डिज़ाइन कर सकते हैं जिस भी पर्पज़ के लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं ना, बेशक इनके फीचर्स अलग अलग हैं, इनकी मेरिट्स अलग अलग हैं, लेकिन ये सारे के सारे मूवी प्रोजेक्टर्स जो होते हैं वो सिमिलर प्रिंसिपल पर ही वर्क करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है, ये डाल सकते हो, दैट इज जो एपिडायस्कोप होता है वो भी एक तरह का प्रोजेक्टेड विजुअल एड ही होता है, मूवी प्रोजेक्टर का ही एक क्या है, टाइप है। ये जो है आपका वर्ड जो है एपिडायस्कोप, अगर आप देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक एपिस्कोप है, दूसरा डायस्कोप है, या फिर डायस्कोपिक आप बोल सकते हो वो है। इसकी ये एडवांटेज होती है कि ये आपके ओपेक मटेरियल को भी जो है वो प्रोजेक्ट कर सकता है और आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल को भी क्या कर सकता है, ये प्रोजेक्ट कर सकता है, जैसे कि आपकी फिल्म्स हो गई, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, स्लाइड्स हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो आपका एपिडायस्कोप है ना, उसकी है कि वो इन दोनों एपिस्कोप और डायस्कोप के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, तो आपको एक ही डिवाइस जो है, आप सेम डिवाइस से जो है वो आप दोनों चीज़ों को देख सकते हो। अगर आपको कोई ओपेक स्लाइड मटेरियल देखना है तो आप उसको भी देख सकते हो, अगर आपको कोई ट्रांसपेरेंट स्लाइड देखनी है तो आप उसको भी देख सकते हो। जनरली जो आपकी ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स होती हैं उसके लिए डायस्कोप का यूज़ किया जाता है और जो आपकी ओपेक स्लाइड्स होती हैं उनके लिए, ओपेक ऑब्जेक्ट्स के लिए आपका एपिस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो जो एपिडायस्कोप है ना, वो इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो क्या कर सके आप, ताकि उसमें ओपेक को भी देख लिया जा सके और ट्रांसपेरेंट वो जो मटेरियल है उसको भी देख लिया जा सके और आपको अलग अलग मटेरियल्स जो है वो उसके लिए यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। एपिडायस्कोप की मदद से आप जो है वो ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप प्रोजेक्टर पे स्क्रीन पे देख सकते हो और आप उसको एनलार्ज्ड फॉर्म में अपनी नीड के हिसाब से, जिस भी हिसाब का आपको डिजायरेबल साइज रखना है, आप उसको कर सकते हो। जो डायस्कोप लैंटर्न है वो भी एक डिवाइस ही है, ठीक है, जो क्या करता है, ग्लास स्लाइड्स को वॉल पे प्रोजेक्ट करता है। अभी दो टाइप्स हो गए प्रोजेक्टर के, जो मूवी प्रोजेक्टर है ना, एक तो एपिडायस्कोप हो गया और दूसरा हो गया आपका डायस्कोप लैंटर्न। ये भी ऐसा डिवाइस है जिसमें कि आप ग्लास स्लाइड्स को जो है वॉल या स्क्रीन के ऊपर आप उस इमेज को क्या करवाते हो, प्रोजेक्ट करवाते हो। टीचर जो होती है अगेन ऑब्जेक्ट के साइज को अपने हिसाब से, जो भी उसकी डिजायर्ड नीड्स है ना, उसके हिसाब से उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, बड़ा रखना है बड़ा कर सकता है साइज, छोटा रखना है छोटा कर सकता है साइज, ताकि बच्चों को जो है वो क्लियरली दिख सके। ये जो आपका डायस्कोप लैंटर्न होता है, इसको आप जो है जो साउंडलेस पिक्चर्स होती है, क्योंकि इसमें कोई ऑडियो फैसिलिटी नहीं होती है, इसको आप सिर्फ ऐसी इमेजेस को देखने के लिए जो स्लाइड शो के फॉर्म में चल रहे हैं, जिसमें कि आपका ऑडियो ज़्यादा ऑडियो है ही नहीं, ठीक है, स्टिल है, स्टैटिक है, ये साउंडलेस पिक्चर्स है, इनको जो है अगर आपको बच्चों को एनलार्ज्ड फॉर्म में क्लास में दिखाना है तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट योर मूवी प्रोजेक्टर, छोटा सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा, ज़्यादा डीपली इसमें जाने की जरूरत नहीं है, इस लेवल पे इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में सीसीटीवी को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।